गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं बाहर, और आप लोगों में से किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे हेयर स्टाइल सिखाने के लिए ये वाली, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो बाहर जा ही रहे हैं और मैं हेयर स्टाइल कर ही रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ये वाली हेयर स्टाइल। और बहुत ही ज़्यादा ईजी है गाइस, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, इसी वजह से मैं ये वाली हेयर स्टाइल बहुत बार कर रही हूँ। मतलब अभी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही वाली हेयर स्टाइल कर रही हूँ, और पीछे अद्वी की आवाज़ आ रही है, अद्वी को हमेशा रोते ही रहता है। मैं ही देखो बेटा, अद्वी को क्या हो गया उसे देखो। तो बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और मेरे से भी ये अच्छी लगती है, तो इसी वजह से। और बीच से आपको इस तरह से मांग निकालनी है, आपके पास कोई टेलकॉम हो तो इस तरह से आप बीच से नोज के पास से मांग निकाल लीजिए इस तरह से, और बस इस तरह से आप ले लीजिए। और इस तरह से आपको ट्विस्ट करना है थोड़ा सा, और इस तरह से कॉप टाइप का बना लेना है, और फिर एक आपको टिक टैक पिन लेनी है, और टिक टैक पिन लेके यहाँ पर ऐसे टक करना है। इसे यहाँ से निकल रहा है थोड़ा सा, तो एक मिनट मैं दोबारा से करती हूँ। तो ये मेसी भी अच्छी लगती है एक्चुअली, मैं तो मेसी ही बनाती हूँ, कभी भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कोम भरने के लिए। इस तरह से आपको लेना है, और बस, और फिर इधर से इस तरह से लेना है यहाँ से, और ट्विस्ट करके बस हो गई है आपकी हेयर स्टाइल रेडी, और क्विकली हो जाती है। इसी वजह से मैं ये वाले हेयर स्टाइल, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, आप लोग बहुत बार कमेंट कर रहे हो कि हेयर स्टाइल आप पे सूट कर रही है, इसी वजह से मैंने सोचा चलो यही हेयर स्टाइल करते हैं, और मुझे सूट भी कर रही है ये, वेस्टर्न पे भी अच्छी लगेगी, इंडियन पे भी अच्छी लगेगी, और साड़ी वगैरह पे भी। आपने तो देख लिया मुझ पर कि ये साड़ी पे भी अच्छी लगती है, वेस्टर्न पे भी अच्छी लगती है, इंडियन कुर्ती वगैरह भी अच्छी लगती है। मैं ये कुर्ती वगैरह पे भी यही हेयर स्टाइल की है, साड़ी पर भी यही की है, और मैं वेस्टर्न भी पहनती तो यही करती हूँ। तो आप कोई भी अटायर पर ये वाली हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो चलिए अभी, अरे चला, अंकल बोल रहे हैं जल्दी से चलो। तो चलिए फिर अभी मैं मिलती हूँ आपको बाद में। गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और फाइनली निकल चुके हैं, क्योंकि किसी का रह रहा था, किसी का हो रहा था, इसी वजह से। और यहाँ पर है सभी फैमिली मेंबर, और भाई गाड़ी चला रहे हैं, अंकल आगे बैठे हैं मैप लेके, उसको लोकेशन बता रहे हैं। काय झालं? अरे यार, रस्ता बंद, जीजू रस्ता बंद, जहाँ से हम लोग निकले थे तो वहाँ से क्या हुआ कि रास्ता बंद था, जहाँ पर गूगल मैप दिखा रहा था जो रास्ता, तो वहाँ पर रोड का काम चल रहा था, इसी वजह से रास्ता बंद था, तो हमें दूसरी जगह से टर्न करके आना पड़ा, इसी वजह से हम लोग प्रॉब्लम में आ गए थे वहाँ पे। रास्ता भी इतना खराब था कि गाड़ी भी उतारने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था इसी वजह से, और बस निकल चुके हैं। और एक्चुअली क्या हुआ कि बच्चों को बोर हो रहा था घर पे, इसी वजह से हम लोग निकल गए हैं, और हमें भी नहीं पता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ऐसे ही हम लोग सोच रहे हैं कि कहीं गार्डन वार्डन लेके जाएंगे बच्चों को, बच्चों बोर हो रहे थे इसी वजह से, और हमारा भी इंजॉय हो जाएगा, इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं, और जहाँ पर भी जाएंगे आप आओगे ही साथ में। गाइज, हम लोग लोकेशन पे पहुँच गए हैं, और हम लोग आए हैं गार्डन में, तो यहाँ पर कुछ स्विमिंग पूल वगैरह भी है, मतलब ऐसे गार्डन टाइप का बनाया हुआ है, और स्विमिंग पूल, और ये बच्चों को ऐसे खेलने के लिए भी कुछ चीज़ें है शायद, तो अंदर जाके ही पता चलेगा। चलिए चलते हैं। अच्छा लग रहा है आपको? अद्वी इधर इधर इधर, अद्वी इधर इधर, कैसा लग रहा है? अच्छा। बहुत अच्छा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't.
क्या पहना है आपने? सेफ्टी सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी जैकेट माही ने भी पहन लिया है। बस क्या? हाँ आसम बोल, आसम 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 till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... गाइज हमने बोटिंग कर ली और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एक्चुअली बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना बच्चे लोग? हाँ मज़ा आया ना बोटिंग करके? मज़ा आया ना? हाँ इसका बच्चों से ज़्यादा बड़ों को मज़ा आया। एक्चुअली माही का मन नहीं भरा है, माही बोल रही है और करना है उसे, क्योंकि उन्होंने क्या किया, फुल राउंड बोला था उन्होंने, बहुत बड़ा लेके आई है, फुल राउंड बोला था, लेकिन वहाँ तक ही आधे तक ही जाके फुल ऐसे राउंड करा के लाया है वो लोग, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा बच्चों को मज़ा नहीं आया। मतलब मज़ा तो आया लेकिन बच्चों का मन नहीं भरा, तो बच्चे बोल रहे और करना है। देखेंगे अभी वो लोग आने के बाद, अंकल और भाई गया है मतलब वो पैडल वाली बोटिंग पे, तो ये लोग आने के बाद, और ये लोग थक भी गए हैं आधे में जाके, हाँ वापस आ रहे हैं वो लोग सारे आधे में जाके थक गए हैं वो, तो वो जब आ जाएंगे तो अभी देखेंगे। अद्विक एक मिनट। हाँ अद्विक ना हाथ छोड़ के चला जा रहा है, इधर उधर भाग रहा है। हाँ एक मिनट, ये देखिए अंकल और भाई वो वाले बोर्ड पर, उनको भी मजा आ रहा है एक्चुअली। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. कसा आहे? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna... गाइज हम लोग आ गए हैं यहाँ पे वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ पर ना वैष्णो देवी के मंदिर की कॉपी की है, मतलब थोड़ा सा, इतना तो नहीं हो पाएगा लेकिन थोड़ा सा इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है यहाँ पे। प्रति वैष्णो देवी बोलेंगे यहाँ पे हम लोग ऐसे, तो यहाँ पर ही आए हैं हम लोग और दर्शन करेंगे, और रास्ते में ही पड़ता था तो इसी वजह से। और बहुत ही सुंदर मंदिर है, मैं आपको लुक दिखा देती हूँ, और अंदर से भी पता नहीं अभी ये शूट करने देंगे या नहीं, तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
गाइस आज है नेक्स्ट डे और कल ब्लॉग को एंड करना ही भूल गई थी। मतलब वहाँ से भैरवनाथ मंदिर से मतलब वैष्णो देवी मंदिर से हम लोग निकले थे, फिर भैरवनाथ के दर्शन के ऊपर आपने देख ही लिया, फिर उसके बाद हम लोग निकले, फिर उसके बाद मैं शूट करना ही भूल गई एक्चुअली। घर पे आई, घर पे फिर बहुत जल्दबाजी हुई, पड़ोस में इनॉग्रेशन का प्रोग्राम था तो वहाँ पर गए। आने के बाद मैं भूल ही गई कि ब्लॉग को एंड भी करना है, मुझे ब्लॉग शूट कर रही थी मैं, तो इस वजह से अभी याद आया कि मुझे ब्लॉग को एंड करना है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी ब्लॉग को एंड कर देते हैं। और आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, और हमने दिवाली के बाद काफ़ी इन्जॉय किया, मतलब कल अभी तक तो दो तीन दिन ऐसे ही गए, हमारे घर पे ही गए, और दिवाली में तो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा काम थे, इसी वजह से बिल्कुल एंजॉय तो करना नहीं हुआ, थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो अभी हम लोगों ने सोचा था कि चलो बच्चों का भी एंजॉय हो जाएगा, हमारा भी एंजॉय हो जाएगा, इसी वजह से हम लोग गए थे कल। और चले फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स, वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उन दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।